अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक। आज बना रही हूँ दही वाले बैंगन और भुनी हुई चने की दाल। भुनी हुई चने की दाल आप लोगों ने बहुत खाई होगी, पर इतनी लजीज नहीं खाई होगी जो आज मैंने बनाई थी। यहाँ मैंने ले लिया फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल। अब इसमें मैं फ्राई करूँगी बैंगन। अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर तक नरम हो जाए, मुलायम से हो जाए। बाज़ दफ़ा लोग फ्राई करते हैं तो वो सख्त रह जाते हैं, फिर वो जायका नहीं देते। अच्छे से बिल्कुल नरम, गूदा इसका सारा नरम हो जाए, इस तरह इसको फ्राई करना है। तो यहाँ ये एक साइड फ्राई हो गए, अब यहाँ मैं साइड बदल रही हूँ ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ मैंने लिए थे आधा किलो बैंगन लिए थे और तकरीबन 1.5 पाव दही लिया था, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा, बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही लजीज बने थे। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ मैंने निकाल लिए बैंगन फ्राई करके, अच्छे से बहुत सॉफ्ट हो गए थे, बहुत मुलायम, इतने मज़े के लगते हैं, दिल करता है ये वैसे ही खा जाओ बग़ैर कुछ किए हुए। अब यहाँ मैं आ गई, यहाँ मैं बनाने लग गई भुनी हुई चने की दाल का मसाला। 2 छोटी सी प्याज मैंने ले ली, अब उन्हें हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस तकरीबन गोल्डन ब्राउन, थोड़ा कच्ची पक्की सी हो जाए प्याज। उसमें लहसुन अदरक डाला तकरीबन 1.5 चम्मच जितना। चने की दाल है, इसमें लहसुन अदरक थोड़ा होना चाहिए, वरना पेट में दर्द हो जाता है सबके, इसलिए थोड़ा सा लहसुन अदरक मैं ज़्यादा ही रखती हूँ दाल में। अब लहसुन अदरक को अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब इसमें मिलाप करवाएंगे हम प्याज के साथ टमाटर का। ये देखिए, ये आ गए टमाटर, लाल लाल मज़ेदार टमाटर। टमाटरों का सीज़न है तो बड़े मज़े के टमाटर आए हैं। अब ये मैंने डाली लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीबन लाल मिर्च डाली, आधी चम्मच से थोड़ा कम हल्दी और 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल के इसे अच्छे से अब हम भूनेंगे। सब चीज़ों को यकजान कर देंगे, अच्छा सा इन सब का मिलाप हम करवा देंगे ताकि अच्छे से घुल मिल जाए और सारा मसाला आ जाए। ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें कोयला कढ़ाई मसाला, उसकी वजह से फ्लेवर बहुत मज़े का हुआ था, तो आप लोग भी ज़रूर ये डालिएगा। और 1 चम्मच नमक डाला। अब इसे भूनने के लिए, पकने के लिए रख देना है ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से नरम हो जाएं, गल जाएं टमाटर, इस तरह आंखें फाड़े फाड़े ना देखें हमें। थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये देखें, ये अब हमने टमाटर सारे मैश कर दिए। टमाटर बिल्कुल उनका वजूद ही नहीं नज़र आ रहा कि इसमें कभी टमाटर डले भी थे, इतने अच्छे तरीके से घोटा लगाया, सारे टमाटरों को घोट दिया और प्याज टमाटर सारी चीज़ें यकजान हो गई। इसमें हम डालेंगे भुनी हुई चने की दाल। दाल तकरीबन 1.5 पाव दाल थी और 4 टमाटर थे, छोटे से थोड़े बड़े साइज़ के, बहुत बड़े नहीं। अब इसे हम दाल के साथ, दाल को मसाले के साथ हम भूनेंगे अच्छे से ताकि मसाला दाल में रच बस जाए और अच्छा सा एक फ्लेवर दाल के अंदर भी आए। वरना बाज़ दफ़ा होते दाल उबली उबली सी अलग ही लगती है तो मज़ा नहीं आता खाने में। तो यहाँ मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, थोड़ा सा पानी मैंने तकरीबन आधा गिलास जितना पानी डाल के इसे दम के लिए रख दिया पकने के लिए, तो मैं आप वीडियो बनाना ही मैं भूल गई थी। अब इसमें डाली हरी मिर्च। दाल बड़ी अच्छी नरम हो गई थी, बहुत अच्छे से गली थी। अब ये हमने डाल दिया गरम मसाला, तकरीबन आधी चमची जितना गरम मसाला डाल दिया, चमची आधे चम्मच जितना गरम मसाला डाल दिया, और ऊपर से गार्निश करने के लिए हमने हरा धनिया डाल दिया। एक और चीज़ भूल गई थी, बड़े दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, इतने दिन तो मैं बिल्कुल गायब थी, वीडियो ही नहीं बनाई, तकरीबन 1 महीने के बाद बना रही हूँ दोबारा से, तो वो काफ़ी चीज़ें मिसिंग हो गई थी। तो इसमें एंड में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो तेल में उसे भून के उसका भकार लगाया था दाल में, तो उससे बड़ा प्यारा कलर आ गया था, वो आगे आपको मैं दिखाऊंगी। अब ये बैंगन का है,
बैंगन का मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ प्याज को अच्छे से चॉप किया, छोटी छोटी प्याज सारी देके, अब इसमें यहाँ गोल्डन ब्राउन जैसी हुई उसमें डाला है पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, तकरीबन एक एक चम्मच सारी चीज़ें डालनी है, हल्दी, हल्दी एक चम्मच से कम, और लाल मिर्च तकरीबन एक चम्मच, क्योंकि इसमें कुटी हुई मिर्च भी डलेगी, कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच डाल के अब इसे हम भून लेंगे। लहसुन अदरक भी डालना है, लहसुन अदरक डालूँगी, नमक, और अब डाल दिया हमने लहसुन अदरक, अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि मिर्च की, मसाले की वो जो एक कच्ची सी दांस आती है ना, वो स्मेल जो गले में भी जाके लगती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये अच्छे से इसे भून लेंगे, जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करके 2-3 मिनट पकने के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि पानी मसाले में अच्छे से पक जाए। यहाँ डाल दिया पानी, अब इसे ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ अब दूसरी तरफ हमने दही को अच्छे से फेंट लिया ताकि सारी गुठलियाँ उसकी ख़त्म हो जाए, दही बिल्कुल लिक्विड की तरह से हो जाए। अब फिर ये भगार तैयार कर रही हूँ दही पे लगाने का। लाल मिर्च ली, एक लाल मिर्च का दाना खोल के लेना है ताकि उसके बीज बाहर आ जाएं। लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, अब ये अच्छे से इसे कड़कड़ा लेंगे हम, इसे फिर दही पे हम भगार लगा देंगे। इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, इतना मज़ेदार, इतना यमी कि बस क्या बताऊँ आपको। अब ये देखें दही पर मैंने भगार लगा दिया, अब इसे मिक्सअप कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि दही में सारा फ्लेवर आ जाए। नमक नहीं डालेंगे दही में, जो नमक हमने मसाले में डाला है, जो ग्रेवी सी बनाई है, हम उसी में सिर्फ नमक डालेंगे, बाकी उसके बाद नमक नहीं डालेंगे। अभी ग्रेवी बना के पहले हम ग्रेवी लगाएंगे, उसके ऊपर फिर ये बैंगन रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक लेयर हम दही की बिछा देंगे, फिर दोबारा से हम वही करेंगे, ग्रेवी लगाई, बैंगन रखे और दही का ऊपर से हमने एक लेयर और बिछा दी। इसी तरह जितने हमारे पास बैंगन होंगे उस हिसाब से हम ये सब करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए ये दाल का कलर कितना मज़ेदार हो गया बघार लगाने के बाद, और ये हमारे दही वाले बैंगन जो है खूब मज़ेदार लजीज तैयार हो गए, बहुत ही मज़े के बने थे दोनों चीज़ें, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप सबसे ज़रूर कहूँगी कि आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत ही मज़ेदार बने थे। देखिए जाते हुए आपसे कहना चाहूँगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।